HW24 न्यूज के श्रावण माह विशेष में हम आपको जिले के उन ग्राम के इतिहास का एक ऐसा पहलू दिखाने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए देखते हैं दिनेश दसौंधी के साथ हमारी आज की खास रिपोर्ट। मैं हूं दिनेश दसौंधी और श्रावण सोमवार के पिछली दो कड़ियों में हमने ऊन के इतिहास के बारे में जाना। आज मैं आपको एक ऐसे स्थान पर ले चल रहा हूं जो ऊन का ऐसा इतिहास है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हम मौजूद हैं मुंशी तालाब के उस स्थल पर जहां भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग के साथ मजार भी विद्यमान है। दोनों ही एक ओटले पर विद्यमान है। आइए देखते हैं इस स्थान का क्या महत्व है। श्रावण सोमवार की पिछली दो कड़ियों में हमने ऊन के मंदिरों के इतिहास के बारे में जाना। वैसे तो यहाँ के पुरातन मंदिर खुद अपना इतिहास बखान करते हैं, किंतु इन ऐतिहासिक धरोहर के साथ ऊन में एक स्थान ऐसा भी है जो यहाँ के बीते इतिहास का मूल हिस्सा माना जाता है। यह स्थान धार्मिक सद्भाव की निशानी भी कहा जाता है, क्योंकि इस स्थान पर मजार एवं भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग एक साथ विद्यमान है। इस स्थान को ऊन के अन्य मंदिरों के समकालिक बताया जाता है जो अब जीर्ण शीर्ण हो चुका है। और मानना है कि ऊन में पुरातन मंदिर जिन पत्थरों से बनाए गए थे, वे सभी पत्थर इसी स्थान के आसपास की पत्थर खदानों से निकाले गए थे। गांव से 4 किलोमीटर की दूरी पर जंगल होने से बहुत ही कम लोग ही इस स्थान की जानकारी रखते हैं। बताया जाता है कि ऊन में जितने भी पुरातन शिव मंदिर हों या 13वीं शताब्दी के जितने भी मंदिर हैं जो पुराने पाषाणी पत्थरों से बने हैं, उन सब का निर्माण इसी मंदिर के आसपास के पत्थर के खदानों से किया गया है और यहीं से पत्थर ले जा करके मंदिरों का निर्माण किया गया है। और आज हम उसी स्थान पर मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ के एक नागरिक जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं कि इस स्थान का क्या महत्व है। आपका क्या नाम है? नितेश दसौंधी जी। इस स्थान की इस स्थान के बारे में जानकारी दीजिए जी। एक समय हुआ करता था जब पूरी तरीके से निर्जन स्थान था, लेकिन जब ग्रामीणों को पता चला कि यहाँ भी एक पुरातन मंदिर है, शिवलिंग स्थापित है, बाबा की मजार स्थापित है, माता जगदम्बा जी की प्रतिमा विराजित है, तो यहाँ के लोगों ने उस जीर्ण शीर्ण प्रतिमा को प्लास्टर कर थोड़ा सा अच्छे से उसको ठीक कर दिया है और जो है पूजन के लिए यहाँ लोग आते हैं। इस स्थान का ऐतिहासिक महत्व क्या है? ऐसा माना जाता है कि जो ऊन में राजा बल्लाल द्वारा जो गांव के अंदर मंदिरों का निर्माण करवाया गया है, उन्हीं मंदिरों में एक ये स्थल भी है और इसी स्थल पर हमारे गांव के किसान और खेतिहर लोग जो है वो अपनी फसलों की मांगों को लेकर या अपने फसलों की अच्छी पैदावार को लेकर या मवेशी जब बीमार पड़ते हैं तो इनको लेकर भी इन मंदिर पर पूजन करते हैं, इससे बीमारियां दूर होती है। एक बात और कही जाती है कि ऊन में जितने भी मंदिर बने हैं, इन सभी मंदिरों का निर्माण यहीं के आसपास के पत्थरों से हुआ है, इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? जी हाँ, ये आसपास जो खदानें हैं पत्थरों की, यहीं के पत्थरों से मंदिर का निर्माण हुआ है। जितने भी 99 मंदिर बने थे, आज तो कुछ मंदिर अभी भी है, बाकी तो जमीन में धस गए, लेकिन जिन मंदिरों का निर्माण हुआ है वो यहीं के पत्थरों से हुआ है। और अभी भी अगर जीर्ण शीर्ण मंदिरों के लिए कुछ जीर्णोद्धार का कार्य किया जाता है तो यहीं से पत्थर ले जा करके उसका कार्य होता है। इस स्थान पर मजार भी है और भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग भी है और माता जगदम्बा की मूर्ति भी है, तो एक तरीके से सद्भाव की निशानी है, तो आप क्या कहेंगे? जी, सद्भाव की निशानी तो इसको माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ श्रावण माह में हिंदू धर्म के लोग पूजन के लिए आते हैं, तो ईद और ऐसे पर्वों पर मुस्लिम धर्म के लोग भी आकर के अपनी इबादत पूरी करते हैं और दोनों धर्म के लोग सद्भाव के साथ में दोनों साथ में बैठ करके एक ही होटले पर बैठ करके पूजन करते हैं। इनका कहना है कि इसे इबादत का स्थान कहें या पूजनीय स्थल, कहीं ना कहीं दोनों का अर्थ एक ही है, क्योंकि इकबाल ने कहा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, यह हिंदुस्तान हमारा है और सबको मिलकर रहने का एक सीख इस स्थान से मिलती है। ये स्थान एक ऐसी सीख देता है कि हम सब मिलकर रहें, जब दो ईश्वर एक साथ बैठकर एक साथ रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं। इस स्थान को हम सर्वधर्म संभाव का एक हिस्सा भी मान सकते हैं। माना जाता है कि उस समय काल के प्रतिदिन पत्थर निकालने के कार्य की शुरुआत यहाँ पूजन के बाद ही होती थी। यहाँ आज भी किसानों द्वारा पूजन किया जाता है। श्रावण का पवित्र महीना हो या रमजान के पाक दिन, यहाँ दोनों अवसरों पर पूजन महत्व रखते हैं। यह स्थान मजहबी मतभेदों को भूलकर सभी को एकजुट रहने की प्रेरणा भी देता है। इस स्थान को उन गांव की काकड़ अर्थात अंतिम सीमा भी माना जाता है। यहाँ पर भगवान शिव के साथ आदिशक्ति माँ जगदम्बा की प्रतिमा भी विराजित है।
उनसे दिनेश दसुंदी की रिपोर्ट। पुरातन कथाओं, परिकथाओं एवं पंचतंत्र की कथाओं में जिस विशाल काय मानव की परिकल्पना सुनने और देखने को मिलती थी, इसके कुछ अंश इस स्थान के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा बताया जाता है या ऐसी किंवदंति है कि गंगू भिलनी नाम की भिलनी बीजागढ़ से यानी यहाँ से 28 किलोमीटर की दूरी दो फल्लांग यानी दो कदमों में दूरी तय करते हुए यहाँ पहुँचती थी। संभवतः इस स्थान का निर्माण उस समय में जब 13वीं शताब्दी में यहाँ मंदिर निर्माण हो रहे थे तब पूजन के लिए किया गया था और इस बताया जाता है कि यहाँ पूजन के बाद ही कार्य प्रारंभ होता था। ये अवधारणा है, किंवदंतियाँ हैं या लोगों की मान्यता, ये समय के गर्त में दफन हो चुका है, किंतु सत्य यह भी है कि कहीं ना कहीं इस स्थान का उनके इतिहास के साथ कुछ लेना देना है। आज की विशेष रिपोर्ट में इतना ही, खबरें अभी बाकी हैं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए SW24 मध्य प्रदेश और मुझे इजाज़त दीजिए कैमरा पर्सन दुर्गेश कुमार के साथ दिनेश दसौंधी SW24 ऊन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।